नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम टी20 मैच इडन गार्डन्स के मैदान पर खेला गया और यहां पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीतकर अब की पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की शुरुआत शानदार रही लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन हर्षल पटेल ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की अंतिम ओवर्स में आकर वो बेहद ही शानदार रही। लेकिन जिस तरीके से हर्षल पटेल आउट हुए वो बेहद ही हास्यास्पद रहा और वो खुद ही अपना बल्ला मारकर विकेट में अपना विकेट देकर वापस पवेलियन लौट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो ये हुआ मैच के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर और इस दौरान गेंदबाज थे न्यूजीलैंड की तरफ से उनके तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और हर्षल पटेल तीसरी गेंद को खेलने के लिए थोड़ा स्टंप्स के पास पहुंच गए थे और जब उन्होंने बल्ला घुमाया तो उनका बल्ला जाकर स्टंप्स पे लगा और वो हिट विकेट आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। हर्षल पटेल ने अपनी पारी में 18 रन बनाए और केवल 11 गेंदों का सामना किया, दो चौका और एक छक्का लगाया और इस तरीके से उन्होंने भारत को अंतिम ओवर्स में शानदार रनों की तरफ बढ़ाया जिसकी वजह से भारत एक अच्छे टोटल तक पहुंच गया। हालांकि हर्षल पटेल हिट विकेट आउट हुए और वो ऐसे आउट होने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं टी20 क्रिकेट में। इससे पहले भारत के केएल राहुल कोलंबो में 2018 में श्रीलंका के खिलाफ हिट विकेट आउट हुए थे और उनके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में हिट विकेट आउट नहीं हुआ था। तो हर्षल पटेल दूसरे प्लेयर बने लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले एक अच्छी इनिंग खेलकर भारत को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया था। फिलहाल हर्षल पटेल जिस तरीके से आउट हुए उस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।